गाइस, आज हमारा मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। चलते हैं मैच की तरफ, देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम, इंडिया की टीम। न्यूजीलैंड काफ़ी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी बैटिंग है उनकी। चलते हैं टॉस की तरफ। न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, काफ़ी अच्छा करती हुई आई है, काफ़ी अच्छी बैटिंग है उनकी, काफ़ी अच्छे ओपनर है उनके। टॉस की तरफ चलते हैं, टॉस देखते हैं। केन विलियमसन के हाथ में टॉस है, केन विलियमसन उछालेंगे टॉस। और इंडिया ने टॉस जीता है, बॉलिंग करने का फैसला है इंडिया के टीम का। काफ़ी अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की, काफ़ी बड़ा मुकाबला है ये, अच्छे से बैटिंग करनी पड़ेगी इंडिया को, हल्के में नहीं ले सकते न्यूजीलैंड को। काफ़ी अच्छे ओपनर हैं इनके, मार्टिन कप्टिल उतरे हैं, मुंड्रो उतरे हैं क्रीज पे। उनके सामने शार्दुल ठाकुर उतरे हैं, स्विंग बॉलर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं। और ये पहली बॉल आती हुई मार्टिन कप्टिल के, और ये डॉट बॉल के साथ शुरुआत करेगी। काफ़ी अच्छी बॉलिंग आती हुई शार्दुल ठाकुर की, काफ़ी अच्छी स्विंग कराते हैं। बहुत अच्छी, और ये शॉर्ट बॉल, और ये 6 रन के लिए काफ़ी अच्छा शॉट मारते हुए मार्टिन कप्टिल की, बल्ले से आता हुआ शॉट, ड्राइव में छक्का। बहुत अच्छे बैट्समैन है मार्टिन कप्टिल। छः रन आ चुके हैं अब तक, कोई भी कटाया नहीं है न्यूजीलैंड का। और ये शॉर्ट पिच बॉल, और ये डॉट बॉल, अच्छी वापसी करी है शार्दुल ठाकुर ने। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं अब तक शार्दुल ठाकुर, मुकाबला कर रहा है काफ़ी। और ये शॉट खेल दिया हवा में 6 रन के लिए, काफ़ी अच्छा शॉट मारा है पुल में, काफ़ी अच्छा पुल खेलते हैं मार्टिन कप्टिल। बहुत अच्छे बैट्समैन रह चुके हैं मार्टिन कप्टिल, काफ़ी एक्सपीरियंस है। काफ़ी अटैकिंग शॉट खेलते हैं मार्टिन कप्टिल, और ये सिंगल नहीं मिला डॉट बॉल। अच्छी वापसी करते हुए शार्दुल ठाकुर, बारह रन पे कोई भी कटाया नहीं है। और ये डॉट बॉल, और ये बुमराह आते हुए क्रीज पे, उनके सामने मुंड्रो हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं मुंड्रो, अच्छे एक्सपीरियंस है मुंड्रो के पास। काफ़ी अटैकिंग शॉट खेलते हैं, पुल शॉट काफ़ी पसंद करते हैं खेलना। और ये शॉट खेल दिया काफ़ी अच्छा, चौका मिलेगा, बहुत अच्छा शॉट खेलते हुए पहली बॉल पे बुमराह की। बाउंसर डालना चाह रहे हैं बुमराह, बाउंसर काफ़ी अच्छी डालते हैं बुमराह। और शॉट खेल दिया है, बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं अब तक मुंड्रो, काफ़ी अच्छी साझेदारी निभाते हुए अपने बैट्समैन के साथ। और ये 6 रन के लिए बहुत अच्छा शॉट खेलते हुए, 10 रन आ चुके हैं 2 बॉल में, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड बैट्समैन।
और शॉट खेल दिया है एक रन के लिए, 11 रन आ चुके हैं ओवर से अब तक, काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अब तक। मार्टिन गप्टिल क्रीज पे हैं, देखते हैं कैसे डालेंगे बुमराह। शॉट खेला है, देखते हैं कितने रन मिलेंगे, एक रन के लिए खेल दिया मार्टिन गप्टिल ने, ऑफ करना 2 रन के लिए, रन काफ़ी आ गए हैं बुमराह के ओवर में, इतने रन देते नहीं है बुमराह। और ये शॉट खेल दिया है, 2 रन ले लेंगे इस पर, काफ़ी बड़ा ओवर आया है ये पक्ष में, न्यूजीलैंड के पक्ष में गया है ये ओवर, एक बॉल और बची है, 15 रन आ चुके हैं ओवर से अब तक। और शॉट खेल दिया हवा में 6 रन के लिए, बहुत बड़ा ओवर आता हुआ न्यूजीलैंड के पक्ष में जाता हुआ ये ओवर, 6 रन के लिए मार दिया है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए मार्टिन गप्टिल, 2 ओवर में 33 रन लगा चुके हैं अब तक। और स्पिन आती हुई युजवेंद्र चहल को भेजा है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं युजवेंद्र चहल, शॉट खेल दिया है काफ़ी अच्छा शॉट, फील्डर के हाथ में बॉल गई है, स्विंग है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, विकेट की ज़रूरत है, एक विकेट लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है, अभी तो कोई विकेट गिरा नहीं है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। और शॉट खेला है स्ट्रेट में, एक रन मिलेगा, अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं दोनों बैट्समैन न्यूजीलैंड के। मार्टिन गप्टिल आ चुके हैं क्रीज पे, देखते हैं कैसा खेलते हैं, स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं मार्टिन गप्टिल। और ये पहली बॉल मार्टिन गप्टिल, और शॉट खेल दिया हवा में 6 रन के लिए, मार्टिन गप्टिल काफ़ी अच्छी लय में दिख रहे हैं अब तक, विकेट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चालीस पे कोई विकेट गिरा नहीं है अब तक न्यूजीलैंड का, और शॉट खेल दिया है सीधा फील्डर के हाथ में, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड बैट्समैन। और ये यॉर्कर डालने का प्रयास करना चाह रहे हैं युजवेंद्र चहल, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल गई, एक रन मिलेगा, ओवर अच्छा आता हुआ अब तक, देखते हैं लास्ट बॉल में क्या आता है, विकेट अभी तक गिरा नहीं है, दोनों बैट्समैन बिल्कुल टिक चुके हैं अब तक। और ये शॉट खेल दिया हवा में, और ये 6 रन के लिए मिले, बहुत बड़ा ओवर आता हुआ अब तक, न्यूजीलैंड के पक्ष में गया ये ओवर, विकेट की बहुत ज़रूरत है इंडिया को अब तक। हार्दिक पांडे आए हैं, अच्छी बॉलिंग कराते हैं हार्दिक पांडे, ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांडे, मार्टिन गप्टिल उनके यहाँ क्रीज पर, मार्टिन गप्टिल हैं, तो शॉट खेल दिया है एक रन के लिए, बहुत अच्छी लय में दिख रहे हैं मार्टिन गप्टिल, अभी तक कोई विकेट गिरा नहीं है, शॉर्ट बॉल डालने का प्रयास कर रहे हैं, और ये डॉट बॉल अपील करी है, और ये एम्पायर का डिसीजन आउट, देखते हैं रिव्यू लेंगे न्यूजीलैंड बैट्समैन, रिव्यू नहीं लिया है, एम्पायर का डिसीजन आउट है, उसी से सहमत हैं मुनरो, अच्छी बॉलिंग आती हुई अब तक हार्दिक पांडे के। और विलियमसन आए हैं, अच्छे बैट्समैन है विलियमसन,
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है विलियमसन को। बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं विलियमसन, और ये आते ही आते वन बाउंस चौका, पुल शॉट खेला, अच्छा खासा रूम मिला। फिफ्टी टू पे एक विकेट गिरा, तब अच्छी बॉलिंग आती हुई। एक रन के लिए खेल दिया है विलियमसन ने। उनके सामने मार्टिन गप्टिल है, पूरे शॉट खेल दिया है छः रन के लिए। काफ़ी अच्छा शॉट खेला है मार्टिन गप्टिल ने छः रन के लिए पुल में। काफ़ी अच्छा ओवर आता हुआ, न्यूजीलैंड के पक्ष में जा रहा है अब तक ओवर। एक ही विकेट गिरा है अब तक, 12 रन आ चुके हैं। और एक शॉट खेल दिया है, देखते क्या मिलता है इस पर। एक रन के लिए खेल दिया है, ओवर की समाप्ति, 60 पे एक विकेट। चार ओवर हो चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार आते हुए, अच्छे बॉलर है भुवनेश्वर कुमार, अच्छी स्विंग कराते हैं, अच्छी स्विंग मिलती है, पिच का इस्तेमाल करते हैं। और एक शॉट खेल दिया है, पुल शॉट काफ़ी अच्छा खेलते हैं मार्टिन गप्टिल, एक रन के लिए। काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड बैट्समैन, अच्छे शॉट तक रोकना होगा। विलियमसन है क्रीज पर, रूम बना लिया और एक शॉट खेल दिया और एक कैच आउट हो गए हैं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हुए, अच्छे बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, दो विकेट गिर चुके हैं। और ये रॉस टेलर आते हुए क्रीज पे, सामने भुवनेश्वर कुमार डालेंगे, शॉट खेल दिया है, देखते चार रन मिलते क्या मिलते हैं। एक रन के लिए खेल दिया है, काफ़ी अच्छा ओवर आता हुआ अब तक, एक विकेट लिया है। काफ़ी अच्छी स्विंग कराते हैं भुवनेश्वर कुमार, और कम रन देते हैं, विकेट लेते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं भुवनेश्वर कुमार। पूरा रूम बना लिया है बल्लेबाज ने, और शॉट खेल दिया है वन बाउंस चौका, रॉस टेलर का काफ़ी अच्छा शॉट, रूम बना के चौका धर दिया। पुल शॉट काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और साइड चेंज करेंगे भुवनेश्वर कुमार ने, आखिरी बॉल है, देखते क्या आता है। और शॉट खेल दिया है एक रन के लिए, पुल शॉट, और यहीं पे बैटिंग समाप्त हो चुकी है न्यूजीलैंड की। एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हुए 68 रन बनाए, दो विकेट में पांच ओवर में। इंडिया की बैटिंग उतरती हुई, ओपनर उतरते हुए रोहित शर्मा और शिखर धवन, अच्छे बैट्समैन हैं, यॉर्कर का प्रयास करना चाह रहे हैं। और एक पहली बॉल ही अपील हुई है, एम्पायर का डिसीजन आउट, रिव्यू लिया है, देखते हैं रिव्यू में क्या होता है। गाइस क्या लगता है आपको, बहुत अच्छी बॉल डालते हुए पहली बॉल पे अपील हो गई है और ये आउट है। हिटिंग विकेट काफ़ी अच्छी लाइन डाली है, ओरिजिनल डिसीजन आउट, तो आउट हो गए गाइस। पहली बॉल पे विकेट गिरता हुआ रोहित शर्मा पवेलियन की तरफ जाते हुए, काफ़ी निराश होंगे अपने आप से। विराट कोहली आते हुए, अच्छी बॉलिंग कराते हुए न्यूजीलैंड बॉलर माफ करना,
और एक शॉट खेल दिया है आते ही आते विराट कोहली ने, हवा में बॉल गई है 6 रन के लिए। ये और कट डालना चाह रहे हैं और एक शॉट खेल दिया है, वन बाउंस चौका स्ट्रेट की तरफ में। काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है विराट कोहली को। और ये फिर से अपील और ये आउट होगा। अच्छी बॉलिंग आती हुई अब तक, मनीष पांडे आते हुए उनकी तरफ से। मनीष पांडे काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और ये शॉट खेल दिया है हवा में, देखते हैं कैच होता है छक्का होता है। और ये 6 रन के लिए और एक शॉट खेल दिया है, पुल शॉट काफ़ी अच्छा खेलते हैं, वन बाउंस चौका। 20 पे 2 विकेट आ चुके हैं इंडिया के, विकेट काफ़ी अच्छे, काफ़ी जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे हैं इंडिया की टीम के। स्कोर काफ़ी बड़ा है लगाया है न्यूजीलैंड ने। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है इंडिया को, शिखर धवन आए हैं क्रीज पे, उनके सामने पेस बॉलर और एक शॉट खेल दिया है वहाँ में, देखते क्या होता है, वन बाउंस चौका। अच्छी बैटिंग करते हुए इंडिया के बैट्समैन, और ये डॉट बॉल काफ़ी अच्छा छोड़ते हैं, बॉल को काफ़ी अच्छी लीव करते हैं और एक शॉट खेल दिया है हवा में, वन बाउंस चौका। काफ़ी अच्छा एज लगा बॉल पे बैक की तरफ, चौका किस्मत का साथ भी मिला। 28 पे 2 विकेट और एक शॉट खेल दिया हवा में, देखते हैं 6 होता है क्या होता है। और ये 6 रन के लिए काफ़ी बड़ा ओवर आता हुआ न्यूजीलैंड की तरफ से, बॉलर काफ़ी निराश होंगे न्यूजीलैंड के। और एक शॉट खेल दिया हवा में, वन बाउंस चौका, नतीजा वही, चौके चौके आ रहे हैं बैक टू बैक। और बड़ा ओवर आता हुआ अब तक, 18 रन आ चुके हैं और ये डॉट बॉल और ये रन आउट हो गए हैं। मनीष पांडे रन आउट हो गए हैं ओवर की समाप्ति। टीम साउदी आए हैं, अच्छे बॉलर है, स्विंग कराते हैं काफ़ी अच्छी और ये शॉट खेल दिया हुआ है और कैच आउट आते ही आते, अच्छी बॉलिंग कराते हैं, शिखर धवन आउट हो चुके हैं। सामने एम एस धोनी है और ये डॉट बॉल, अच्छी बाउंसर डालने का प्रयास है और ये शॉट खेल दिया है एम एस धोनी ने 6 रन के लिए। खाता 6 रन से खोलते हुए एम एस धोनी, काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी तेज़ी से विकेट गिरते हुए इंडिया टीम के। अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और एक बैक टू बैक 6, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 2 छक्के मार चुके हैं अब तक। और एक शॉट खेल दिया है, देखते कैच होता है क्या होता है। और एक कैच हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं एम एस धोनी।
काफ़ी जल्दी जल्दी विकेट गिरते हुए टीम बिखरती हुई इंडिया की टीम, अच्छी बैटिंग नहीं हो रही अब तक, और शॉट खेल दिया है बहुत अच्छा हार्दिक पांडे ने, काफ़ी अच्छा शॉट खेलते हैं हार्दिक पांडे 6 रन के लिए। इंडिया को अच्छे से बैटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी विकेट गिर चुके हैं इंडिया के, और रविंद जडेजा आए हैं क्रीज पे, 6 बैट्समैन हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, बाउंसर डालने का प्रयास करना चाह रहे हैं, और ये डॉट बॉल अच्छी लीव करी बॉल को, अच्छा एक्सपीरियंस है रविंद जडेजा के पास, और ये डॉट बॉल समझदारी के साथ खेलते हुए रविंद्र जडेजा, यॉर्कर डालना चाह रहे हैं, देखते क्या होता है, शॉट खेल दिया है 1 बाउंस शॉ का, अच्छी बैटिंग होती हुई अब तक रविंद्र जडेजा के द्वारा, और ये डॉट बॉल नहीं होगी, सिंगल मिल जाएगा इस पर, अच्छा सिंगल लेते हुए, और हार्दिक पांडे की क्रीज पे देखते क्या होता है, यॉर्कर डालना चाह रहे हैं, और ये बोल्ड काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हुए न्यूजीलैंड बैट्समैन, इंडिया के काफ़ी विकेट गिर चुके हैं, भुवनेश्वर कुमार आए हैं, और ये अपील, और ये आउट होगा, इंडिया टीम पूरी बिखरती हुई अब तक, 6 बॉल में 8 रन चाहिए, रविंद्र जडेजा क्रीज पे हैं, और ये शॉट खेल दिया है, देखते क्या होता है, और ये 6 रन, काफ़ी अच्छा टाइमिंग हुई है बल्ले से, ओवर पिच बॉल डाली, काफ़ी अच्छा शॉट ड्राइव में बॉल को खड़ा कर दिया है, यॉर्कर डालना चाह रहे हैं, और शॉट खेला 4 रन के लिए 2 बाउंस शॉ का, और इसी तरह मैच जीत चुकी है इंडिया, अच्छी बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से, अच्छी बॉलिंग कराते हुए, अच्छी बॉलिंग कराई न्यूजीलैंड ने, 3 विकेट से इंडिया जीत चुकी है, इंडिया टू विन, सो चलते हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की तरफ से, अच्छी बैटिंग, और मैच का हाल कुछ इस तरह, न्यूजीलैंड ने 68 रन बनाए 2 विकेट पे, मार्टिन कप्टन ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, उनका साथ मुनरो ने दिया, शिखर धवन मैन ऑफ द मैच बने, 18 रन मारे उनने,